बीजेपी सरकार में किसान भी इनसे दुखी है, नौजवान भी दुखी है, सेना भी दुखी है, उसके बाद में इनसे पूरा देश का युवा दुखी है। जानबूझकर इन लोगों ने बेरोजगार बनाया, 2 साल तक हमारा एज बर्बाद किया गया क्योंकि हमें जिंदा लाश बना दिया इन लोगों ने, हमें जिंदा लाश जानबूझकर बनाया गया। क्योंकि सबसे ज्यादा कोई अगर परेशान है किसी सरकार में तो युवा इनसे परेशान है, कोई भी युवा सुखी नहीं है इनके। सब इस देश का युवा ही परेशान है। हमें तो ये लगता है हम अपने देश में स्वतंत्र ही नहीं है, हम अपनी बात नहीं रख सकते। हम सरकार से कोई भीख थोड़ी ना मांग रहा है। लगभग 500 से 600 युवा डिप्रेशन का शिकार होकर सुसाइड कर लिए। हमारी गलती ये रही कि हमने फौज को सपनों देखो, हमारी गलती ये रही कि हमने मोदी जी वोट दो, ठीक है। आगे की गलती ये रही कि हम घर से आगे यहाँ पे बैठ के पांती मार गए, लेकिन मोदी जी है बिल्कुल दया ना आ रही। देश का चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे मीडिया बंधु लोग हैं जो हमारा मतलब थोड़ा भी सपोर्ट उस समय नहीं किया और आज भी हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम सरकार से ये कह रहे हैं जब हम 1100 किलोमीटर पैदल आ सकते हैं तो हम पूरे देश में उसका विरोध भी कर सकते हैं, रोड रोड जाके विरोध भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं नूरजा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पे और यहां आप देख सकते हैं जो युवा हैं वो यहां पे अपनी मांगों को लेकर आए हैं। यहां पे आपको हम पोस्टर दिखा देते हैं, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण से दिल्ली पैदल यात्रा। तो ये आज इनकी मांगों को हम सुनेंगे कि क्या मांगे लेकर ये लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं। क्या कहेंगे सर, क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पे? हम अपनी 2021 की जो आर्मी की पेंडिंग भर्ती थी उसके लिए आए हुए हैं। हमारी 90% सेना में जाने की प्रक्रिया पूरी हो गई थी, फिलहाल मेरी तो 100% हो गई थी क्योंकि मेरे पास NCC का सी सर्टिफिकेट है जो कि आर्मी में GD में उसका एग्ज़ाम नहीं होता है, डायरेक्टली उसको ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, तो वो मैंने कर दिया था। बाकी जितने भी ये युवा साथी हैं मेरे सारे उसको क्वालिफाई कर चुके थे। तो प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब क्या हुआ? अग्निपथ योजना जो आई थी स्कीम, उसके चलते ये हमारे ऊपर थोप दी गई और उसको 2 साल तक उन्होंने हमको भरोसे में रखा कि आपका एग्जाम कोविड की वजह से टाल दिया गया है, अगले महीने होगा, अगले महीने होगा, अगले महीने होगा। इसको बोलते बोलते 2 साल हो गए लगभग, 21 से लेके और ये तुम्हारा 22, 21 और 22 जून में, जब एक हमें जुलाई में करीब डेट दी गई 25 जुलाई, उसके लिए हमारा दूसरा एडमिट कार्ड इशू किया गया। फिर देखते हैं कि 2022 जून में अग्निपथ योजना आने पर बोल दिया कि जितनी भी पेंडिंग पुरानी भर्तियाँ थी वो सारी रद्द की जाती हैं, आप ये बताइए। फिर उसके बाद हमें भरोसे में रखा गया आगे होगा, आगे होगा। उसके बाद 2 साल बाद जिनकी भी एज थी, जो एज कैटेगरी के अंदर ही थे, वो एज कैटेगरी से बाहर निकल चुके हैं। अगर वो चीज़ हमें पहले ही बता दी जाती तो हम कहीं ना कहीं 2 साल में सिलेक्शन ले जाते। अब हम ओवरेज हो गए, हम कहीं के नहीं रहे हैं। कई बार प्रोटेक्शन यहाँ पर प्रोटेक्शन किया गया, बस हमें आश्वासन दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है। राजनाथ सिंह के पास भी कई बार गए और उन्होंने कई बार रैलियाँ भी करी, मंच से भी बोला कि होगी होगी होगी, आप टेंशन ना लें। जब इस देश का युवा ही परेशान है, हमें तो ये लगता है हम अपने देश में स्वतंत्र ही नहीं है, हम अपनी बात नहीं रख सकते, जहाँ से कहीं भी रोक दिया जाता है। हमारा एक भाई बिहार चंपारण से जो पैदल यात्रा करके आ जाए, उसको 40 दिन हो गए लगभग, समझते हैं आप, 1100 किलोमीटर होगा लगभग यहाँ से। तो जब हम सरकार से ये कह रहे हैं जब हम 1100 किलोमीटर पैदल आ सकते हैं तो हम पूरे देश में उसका विरोध भी कर सकते हैं, डोर टू डोर जाके विरोध भी कर सकते हैं। जब हम इनको बिठा सकते हैं, युवा ही एक ऐसी शक्ति है जो अभी यही परेशान है, तो फिर आगे चल के क्या होगा इस देश का रोजगार? ये आर्मी कोई रोजगार नहीं था, इसको रोजगार का जरिया बनाया गया। अब रोजगार देने की बात है, हर घर में रोजगार दिया जाएगा, ये तो एक जुनून और जज्बा होता है फौज में जाने का। अब वो कर दिया गया कि 20,000-21,000 मंथली आप लाइए। अभी 2-1 अग्निवीर शहीद हुए, कोई भी दर्जा नहीं, कोई शहीद गए। एक किसान का बेटा होने के नाते किसान को कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने बच्चे की शहादत और उसका बलिदान, उसका सम्मान ही बहुत कुछ होता है। लेकिन अगर आप दोबारा सिलेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होगा? एज कैटेगरी नहीं है, खत्म हो चुकी, सब एज कैटेगरी ही खत्म हो चुकी है। जनरल से आते हैं, जो भी थी वो भी कम कर दी गई। फिलहाल सुनने में आ रहा है पहले 17 से 23 होती थी, अब 21 कर दी है। तो जो भी कोई था 2-4 महीने वाला होगा, फॉर्म वगैरह डल जाए, उनका भी नहीं डलेगा। इसीलिए कह रहे हैं जो हमारी पेंडिंग भर्ती थी उसको पूरा कराया नहीं हमें, अन्यथा 2 साल से हम बेरोजगार घूम रहे हैं, ना इधर ना उधर, कहीं भी कोई प्राइवेट जॉब भी नहीं दे रहा है। तो मतलब अगर पेंडिंग भर्ती आपकी नहीं की जाती है, मतलब वेटिंग लिस्ट में आपका नाम दिया गया है, अगर आपको नहीं भर्ती किया जाता, फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं बैठेंगे मैडम, भूखे दिन और रात हम ना जा रहे कहीं, घर से निकल आए, घर ने घरवाई ने कह दिया जाओ नौकरी को मिलना है रही। 2009 से मैं तैयारी कर रहा हूँ ग्राउंड पे, लाखों रुपया फूंक दो, कमा दूँ और फूंक दूँ,
ठीक है, दबाए गए। और मैडम हमारे जो घर वाले हैं ना, हमारी मम्मी है, बहुत प्यार करती हैं, उनके जितने भी जेवर जायदाद हथगाए सारे सुनार पे गहन रखने उन्हें हमने पैसा दे, ठीक है, बोले कि बेटा तू तैयारी कर। दबा के मैडम हमने 10 साल मेहनत करी, ठीक है, उसके बाद में ना तो हमने पुलिस की और भी नौकरी ही, लेकिन हमने कोई चूज ना करी, खाली हमें चाहिए फौज, फौज की तैयारी की मैडम हमने। उस बाप हम खड़े उतरे, हमारा फिजिकल भयो एक्सीडेंट मारी, मेडिकल हुआ, हमारे कागज़ जमा हुए, यहाँ तक कि मैडम हमारी वेरिफिकेशन भी हुई, पूरी प्रक्रिया ईमानदारी से हमने पार करी। हमारी उसमें गलती का है, हमारी गलती ये रही कि हमने फौज को सपनों देखो, हमारी गलती ये रही कि हमने मोदी जी ये वोट दो, ठीक है, आगे की गलती ये रही कि हम घर से आगे यहाँ पे बैठ के पानी मार गए, भूखे हैं, सुबह से मैडम खाना ना खाओ, तुम कहो तो अल्ट्रासाउंड करवा के दिखा दूँ, लेकिन मोदी जी है बिल्कुल दया ना आ रही। बिहार चंपारण से भैया निकलो कम से कम 40 दिन है गए मैडम, 40 दिन हो गए, सभी राज्य से सभी भाई यहाँ पे मौजूद हैं, सब लगे से तमिलनाडु से भी युवा आया। जब हमने, हम सरकार से कोई भीख थोड़ी ना मांग रहा है, हमने जो मतलब जिस तरह से उनका विज्ञापन था उस तरह से पास किया, तो सरकार को कम से कम हमारा हक तो देना चाहिए ना। इसमें जो भी युवा है सभी मतलब गरीब परिवार से हैं, मीडियम वर्ग के हैं, किसान के बच्चे हैं, और शहीद जो मतलब हमारे नौजवान शहीद हुए हैं उनके बच्चे हैं, ना कोई बड़ा फैमिली या कोई राजनेता का है। राजनेता लोग अपना मनमानी करके कोई भी प्लान ला के एकाएक थोप देते हैं बिना सोचे समझे। जब हम लोगों ने पूरा मतलब विज्ञापन के तहत क्लियर किया है, तो कम से कम उन्हें हमारा पेंडिंग तो पूरी करनी चाहिए। तो आपके साथ और कितने लोग हैं जो पेंडिंग लिस्ट में शामिल हुए? 1.5 लाख युवा है लगभग पूरे देश का, एयरफोर्स और आर्मी का, लगभग 500 से 600 युवा डिप्रेशन का शिकार होकर सुसाइड कर लिए। जिस समय हमारा मतलब रद्द हुआ भर्ती, उस समय लगभग 500 से 700 युवा आत्महत्या कर लिया, और उसका एक भी वीडियो या फोटो किसी भी न्यूज चैनल पे नहीं चलाया गया। देश का चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे मीडिया बंधु लोग हैं जो हमारा मतलब थोड़ा भी सपोर्ट उस समय नहीं किया, और आज भी हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप लोग 2 साल से बेरोजगार हैं, आपको भर्ती नहीं किया गया, तो आपने कहीं और प्रयास नहीं करा नौकरी ढूंढने का? जिस समय मैम हम लोगों का भर्ती रद्द हुआ, उससे पहले हमारा दो मतलब क्लियर था, लेकिन हमारा सपना था फौज में जाना, इसलिए उस भर्ती में हमने नहीं गया। हमने फौज की तैयारी की थी, फौज में मतलब फौज के लिए आत्मसमर्पण किया था, तो हमारा एक ही लक्ष्य था फौज में भर्ती होना, लेकिन यह सरकार अग्निपथ योजना जानबूझकर हमारे ऊपर थोप। आप लोग कब से तैयारी कर रहे हैं फौज की? 2015 से तैयारी कर रहा था मैम, 2015 से जी मैम, लगभग 6 साल दौड़ने के बाद में हमारा 21 में सिलेक्शन हुआ था, और लगभग हमें 10 बार डार्क में रखा गया कि अब एग्जाम होगा, लगभग ये राजनाथ सिंह जी भी बोले कि होगी एग्जाम, 4-5 रैलियों में भी उनसे बात हुई तो वो बोले कि होगी, अनुराग ठाकुर जी भी बोले कि इनकी पेंडिंग जो भी भर्ती है उसे पूरी कर दी जाएगी, लेकिन आश्वासन के सिवा दूसरा कुछ नहीं दिया इन लोगों ने। लास्ट में क्या हुआ, अग्निपथ आया और उसे रद्द कर दिया गया हमारी भर्ती को। लेकिन जो अग्निपथ योजना है कुछ सोच समझ के तो सरकार लाई होगी, लेकिन मतलब फौज को मजबूत बनाने के लिए आप खुद सोचो, आप 15 महीने की ट्रेनिंग या 6 महीने की ट्रेनिंग, जो 6 महीने की ट्रेनिंग करेगा वो मजबूत होगा कि जो 15 महीने का ट्रेनिंग करेगा वो मजबूत होगा? 4 साल जो सेवा करेगा वो मतलब देश का पूर्ण तरह से समर्पित होकर सेवा करेगा, या जो मतलब 18 साल सेवा करेगा वो करेगा? हमें डार्क में रखा जा रहा है, और सेना को मतलब मजबूत झूठ मूठ के कह के तोड़ा जा रहा है, सेना को तोड़ा जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, और सबसे ज्यादा दुखी है तो युवा इसको लेकर है। बीजेपी सरकार में किसान भी इनसे दुखी है, नौजवान भी दुखी है, सेना भी दुखी है, उसके बाद में इनसे पूरा देश का युवा दुखी है। हम सरकार से यही कहेंगे, अगर सरकार हमारी मांग नहीं पूरी करेगी तो इस बार 24 के इलेक्शन में हम सभी युवा वोट नहीं करेंगे और उनका खुल के विरोध करेंगे। जहाँ भी रैलियाँ होगी उनकी, वहाँ हम जाएंगे और उनका विरोध करेंगे। मतलब 2 साल से आप लोग, 2 साल से आपने सोचा नहीं क्या कुछ और मतलब ट्राई करें? एज ओवर है मैम, एज ओवर कर दिया गया। हमें भरोसा था कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन वहाँ से भी न्याय नहीं मिल पाया। अग्निपथ योजना बीच में शामिल करके रद्द कर दिया गया। हर तरह से हम लोग लायक थे, 90% हमारा क्लियर था, हर तरह से हम लोग लायक थे। भर्ती होने में लगभग 90% हमारा मतलब टोटल क्लियर था, 10% बाकी था, जिन्हें जानबूझकर इन लोगों ने बेरोजगार बनाया। 2 साल तक हमारा एज बर्बाद किया गया, नहीं तो हम लोग फौज में होते हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने आंदोलन करे, 2 साल हो गया है तो कोई सुनवाई नहीं हुआ, जानबूझकर ये लोग वीडियो डिलीट करवा देते थे, किसी भी बड़े बड़े चैनल पे जाते थे वहाँ से डिलीट करवा देते थे, कोई मतलब सुनवाई नहीं हुआ आज तक।
माननीय राजनाथ सिंह से मैं कहना चाहता हूँ, अगर वो भूल गए हो कि मैंने अपनी बातों को क्या बोला था मंच के माध्यम से, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो को देखकर, अगर कुछ याद आ जाए कि उन्होंने बोला था कि भर्ती होगी होगी होगी, तो हर जगह झूठ बोलना, झूठ युवाओं को क्यों झूठ में दबाया जा रहा है? डर के में रखे हमें खोल के बताया ना, और अब हमारी भर्ती को पेंडिंग कर दिया गया, तो अब हम कहाँ जाएं? समझ नहीं आता। कुछ हमारे कुछ साथी जो डिप्रेशन का शिकार होके सुसाइड कर लिया है, लेकिन वो लोग नौकरियां दे तो रहे हैं, आप लोग कोई और प्रयास कर सकते हैं ना? 2 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे हैं वो लोग, जो अभी हमारा निकला है उसको दे ही नहीं रहे हैं। 2 करोड़ कहाँ से दे दिए हैं? कुछ नहीं दिए, जो हमारा क्लियर है पहले से उसे तो दे ही नहीं रहे। लेकिन आप खुद कह रहे हैं आपकी मतलब एज निकल चुकी है, अब तो उसके बाद कैसे होगा आपका सिलेक्शन? जब एज थी तब तो हम सारी कुछ प्रक्रिया पार कर चुके थे ना। 1.5 लाख बच्चों को क्यों अंधेरे में रखा जा रहा है? उन्हें रोजगार दें, 2 करोड़ कहाँ से रोजगार मिल रहा है? 2 करोड़ जो रोजगार जो देने की बात कर रहे हैं, हमारी एज निकल गई मानते हैं, लेकिन जब एज थी तब हम सारी प्रक्रियाओं को पार करके फिर भी धरने पर बैठे हैं, ये इससे बुरी बात क्या होगी? एज निकलने में तो सरकार की नाकामयाबी है ना, हमारी वजह से थोड़ी निकला है। हमने तो जिस एज में ही अपने सारे प्रक्रिया पूरी कर ली थी हमने, तो अब सरकार अपनी गलती सुधारे। अगर भर्ती नहीं होगी फिर अभी मतलब कुछ नहीं हुआ आंदोलन करने के बाद, फिर आप लोग क्या करेंगे? जब 1000 किलोमीटर पैदल चलकर आ सकते हैं, तो पूरे देश में पैदल घूमकर इनका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि हमें जिंदा लाश बना दिया इन लोगों ने, हमें जिंदा लाश जानबूझकर बनाया गया और जानबूझकर बेरोजगार बनाया गया। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, अगर हमारा पेंडिंग भर्ती पूरा नहीं हुआ तो इस बार के इलेक्शन में हम सभी युवा घूम घूम कर इनका विरोध करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा कोई अगर परेशान है किसी सरकार में तो युवा इनसे परेशान है। कोई भी युवा सुखी नहीं है इनके परेशान में, मतलब सरकार में। अभी 2-4 स्टेटों के रिजल्ट आने वाले हैं, वो आपको पता चल जाएगा। वो युवा ही है जो इनको अब ये इनका रास्ता दिखाएंगे, जो इन्होंने ऊपर बिठाया है तो वो नीचे लाना भी जाना। आप लोगों के साथ और कहां कहां से लोग आए हैं? बहुत से स्टेटों से, तमिलनाडु से, आसाम से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से है, बिहार से है, हर जगह से। तो हमने इन लोगों से बात करी, लोग कह रहे हैं कि लोग अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पे आए हैं, 2 साल से इन लोगों को वेटिंग लिस्ट में डाला गया है, और कह रहे हैं इन लोगों को सरकार ने बेरोजगार बनाया गया। लोग बेरोजगार थे नहीं, इन लोगों ने बहुत मेहनत करके अपने भर्ती मतलब जो था फौज का सपना देखा था भर्ती होने का, पर ये जो योजना आई है आपको यहाँ पे योजना भी दिखा देते हैं, जो ये है अग्निपथ योजना, उसके तहत इनका जो था जो भर्ती होने वाली थी उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। 2 साल से ये लोग वेट कर रहे हैं, और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी ये बोला था कि इनको भर्ती करेंगे, पर इन लोग उन्हीं की तलाश में है कि कब होगा इनको भर्ती, कब किया जाएगा। अब देखते हैं इनका क्या होता है, सरकार इनकी सुनती है कि नहीं। बाकी इन्होंने ये भी बोला है कि अगर सरकार इनकी नहीं सुनेगी 2024 में ये लोग वोट के माध्यम से उनको हरा देंगे, तो बाकी देखते हैं क्या होता है। आई की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें जनता।